एसएस राजमौली के डायरेक्शन में बनी फिल्म आरआरआर के नाटो नाटो ने इतिहास रच दिया है। जी हां, आरआरआर ने देश के लिए पहला गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने के बाद एक ऐसा मुकाम हासिल किया है। दरअसल आज जूनियर एनटीआर और रामचरण स्टार इस फिल्म के गाने नाटो नाटो के ओरिजिनल सॉन्ग की कैटेगरी में ऑस्कर 2023 का नॉमिनेशन हासिल कर लिया है, जिसके चलते सोशल मीडिया पर यूजर्स ने फिल्म के नॉमिनेशन पर पूरी टीम को बधाई दी है। साथ ही इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में खुशी का माहौल है। बता दें, इस ऐतिहासिक जीत पर पूरी टीम ने खुशी जाहिर की है। बताते चले, आरआरआर मूवी ने थिएटर्स पर रिलीज होते ही लोगों के दिलों में एक अलग जगह बना ली थी। वहीं बॉलीवुड गलियारों में बधाइयां गूंज को देखा जा सकता है। वहीं फिल्म आरआरआर की टीम ने अपने इंस्टा अकाउंट पर ट्वीट कर इस नामांकन को ऐतिहासिक बताया है और लिखा, वी क्रिएटेड हिस्ट्री, प्राउड एंड प्रिविलेज टू शेयर दैट नाटो नाटो हैज बीन नॉमिनेटेड फॉर बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग एट द 95th अकेडमी अवार्ड्स #Oscars #RRRmovie। वहीं मुख्य भूमिका निभाने वाले अभिनेता रामचरण ने अपनी खुशी का इजहार करते हुए ट्वीट करते हुए लिखा, व्हाट अ ब्रिलियंट न्यूज, ट्रूली एन ऑनर टू सी नाटो नाटो नॉमिनेटेड फॉर द ऑस्कर्स, अनदर वेरी प्राउड मोमेंट फॉर अस एंड इंडिया, वेल डिजर्व्ड, MM कीरावनी, SS राजमौली, माय ब्रदर तारक एंड द एंटायर टीम ऑफ RRR ऑल लव। बता दें, इस खबर के आते ही सभी सेलिब्रिटीज की खुशी का ठिकाना नहीं है।